बुलडोजर ने घर बसाया, पुलिस ने पिछवाड़ा सुजाया, मारा है करके नंगा दंगा, अब न करेंगे घर ही नमाज पढ़ेंगे। भाईजान, ये दंगा दुंगी में कुछ रखा नहीं है, तब का किया जाए भाईजान? बनकर दर्जी बुरखा और पतलून सिया जाए, या फिर चलो पंचर का दुकान किया जाए। मौलवी ने पत्थर चलवाया, बहत्तर हुरों का सपना दिखाया, लालच में हो गया पंगा दंगा, अब न करेंगे घर ही नमाज पढ़ेंगे। ससुरा कल पुलिस वालों को हल्का में ले लिए थे, कल पत्थर साई साई चलाए थे हम भी, लेकिन आज हमको भी रडार में ले लिया सब। है गुब्बारा मार के लुजुर लुजुर कर दिया है। अरे दो तीन गो का कपार कान हम फोड़ दिए थे भाईजान, एकदम साफ निशाना बैठाई थे और डायरेक्ट भूभुने पे मार के फोड़ दिए थे भाई। लेकिन हमको का पता था उस ससुरा हमको भी निशाना बना देगा, गेर में ले लिया ना। हाँ भाईजान, पता है ना, जानते हो? हाँ भाईजान, पावर में पता ही नहीं चलता है कि अब का हो रहा है, आदमी जोश में आ जाता है। भीड़ में पावर का पता नहीं ना चलता ना, है ना भाईजान, कहाँ से पावर आ रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन भाईजान, जब पुलिस का लाठी पड़ता है ना, तो घर आवालों के बाद कोनो नजर नहीं आता है, मौलवी हो चाहे कोनो मुला, एकदम अकेले पड़ जाता है आदमी, खाली पुलिस का डंडा नजर आता, डंडा का आवाज बजता है। लेकिन एक बात है भाई साहब, है नूपुर शर्मा भुला गई थी का कि हमारे रसूल हर किताब और हर सवाल जवाब से ऊपर है, जी तो करता है कि इसका भी हाल कश्मीरी औरतों जैसा कर ही दे। ना ना भाईजान, एम्बुलेंस है भाईजान, एम्बुलेंस है। अरे तो पुलिस से कौन डरता है, धैर्य रखिए भाईजान, हम लोगों का भी टाइम आएगा। हाँ। और अपने नबी के ऊपर हर उठे एक सवाल के जवाब में, और ये शहर क्या तमाम मुल्क में आग लगा देंगे इंशाल्लाह। एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा भाईजान, एकदम बिल्कुल भाईजान, अपने मोहम्मद साहब को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। भले हम लोग अनपढ़ है पर लेकिन अब अल्पसंख्यक नहीं है, कौन मुंह उठा के आएगा और हम लोगों को हरा के चला जाएगा। ये लोग तो सो गया था, जानते हैं, ये लोग सोच रहा था कि अब कश्मीरी फाइल बनाइए दिए, अब धीरे धीरे रसूल पे भी और कुरान पे भी सवाल उठा के वही हल कर देंगे जो हम लोग और वामपंथियों ने मिलके इनका राम और रामायण का किया है। अरे हमारे जीते जीते ऐसे कैसे हो जाएगा भाईजान, आग लगा देंगे आग इंशाअल्लाह, रसूल अल्लाह आग लगा। बस एक बात है भाई साहब, जानते हैं ये बीच में जोगी रोड़ा बन गया है। ना ना टेंशन नहीं लेना है भाईजान, ओएसी चचा जान ने कहा है कि कब तक रहेगा ये जोगी या मोदी, मठ चला जाएगा, एक दिन हम लोग भारत पे फतेह जरूर करेंगे और भारत को हम चलाएंगे। और फिर है ये ज्ञान वापी ही क्या, भारत के हर मंदिर के शिवलिंग को हम लोग फुबारा साबित कर देंगे एकदम भाईजान। लेकिन ये सेकुलर लोग तो साथ दे रहे है ना, लेकिन मकसद याद रहे भाईजान, ये सेकुलर तब तक ही अपने हैं जब तक भारत पर फतेह नहीं कर लिया जाता। यस, फतेह के बाद मोहम्मद के शान में इन लोगों को भी सूली पर चढ़ाया जाएगा, लटका देंगे चलिए कल मिलते हैं। और देखिए घर से निकलते समय अंडर बियर में आगे पत्थर और पीछे फोम का गद्दा रखना मत भूलिएगा, नहीं तो ये पुलिस का डंडा कब कितना जख्म दे दे कोई इसी को नहीं पता इंसान। सावधानी से जाइएगा लोग भाईजान, सावधानी से जाइएगा लोग, क्या पता कब पुलिस वाले कुत्ता पीछे पड़ जाए। ऐसा ही कॉल के लाठी का दाग गुर के पाग नियन हुआ है, चलिए चलिए जल्दी इंशाल्लाह भागो, रक्षा करो अल्लाह।